Well guys, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और गाइज आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के TNT चैंपियन देखने को मिले। यहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और लुसासोरस क्राउड को एड्रेस करते गए और गाइज क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि अगर यहां पर डार्बी एलन को ये लगता है कि वो AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज को हरा कर AEW के TNT चैंपियन बन सकते गए तो गाइज ये यहां पर डार्बी एलन की बहुत ही बड़ी गलती गए, क्योंकि गाइज बहुत ही जल्द क्रिश्चियन केज और लुसासोरस डार्बी को उनकी औकात दिखाने वाले गए। और गाइज यहां पर क्रिश्चियन का ये प्रोमो चल ही रहा होता है तभी सडनली आर्न एंडरसन और उनके बेटे ब्रॉक एंडरसन क्रिश्चियन को इंटरफियर करते गए, जहां पर आर्न एंडरसन ये कहते गए कि अगर यहां पर क्रिश्चियन केज के अंदर दम है तो वो आर्न एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन को फेस करे, जिसके बाद कि आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर लुसासोरस का AEW TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज यहां पर शो के ऊपर लुसासोरस उनका टाइटल ब्रॉक एंडरसन के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर लुसासोरस इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज पूरे मैच को डोमिनेट करने के बाद लुसासोरस के रैबिट लैरियट के साथ लुसासोरस इस मैच को जीत के TNT टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइज यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है सडनली क्राउड की तरफ से डार्बी एलन रिंग के अंदर आ जाते गए और गाइज डार्बी लुसासोरस के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की AEW के नेक्स्ट वीक के कोलिजन शो के ऊपर डार्बी एलन क्रिश्चियन केज को AEW के अंदर चैलेंज करते गए। और गाइज आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर डार्बी एलन ने फाइनली क्रिश्चियन से उनका बदला ले लिया है।